नमस्कार बच्चों, स्वस्थ रहो। बच्चों आज व्याकरण के अंश उपसर्ग पर अध्ययन करने जा रहे हैं। उपसर्ग की परिभाषा देखेंगे तो उपसर्ग वे शब्द होते हैं, उपसर्ग जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उस शब्द को विशेषत्व में बदलते हैं तो उसे कहा जाते हैं उपसर्ग। बच्चों उपसर्ग और शब्द में क्या अंतर है? तो उपसर्ग वे होते हैं जो शब्द के पूर्व जुड़कर शब्द के अर्थ को विशेषत्व में बदलते हैं। शब्द वे होते हैं जो सार्थक अक्षरों का समूह होते हैं और वाक्य में स्वतंत्र रूप में प्रयोग होते हैं। लेकिन फर्क इतना ही है, उपसर्ग अक्षरों के समूह होते हुए भी स्वतंत्र नहीं होते, क्योंकि उपसर्ग का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। उपसर्ग शब्द के साथ ही जुड़कर होता है। बिना शब्द से उपसर्ग अर्थहीन हो जाता है। बिना शब्द के उसका अर्थ नहीं ले सकते, इसलिए उपसर्ग के दो गुण आपको विशेष रूप में ध्यान रखना होगा। वे हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए हर शब्दांश उपसर्ग नहीं होते और शब्दांश उपसर्ग नहीं होते। दूसरा विचार, उपसर्ग स्वतंत्र रूप से इनका कोई विशेष नहीं होता। तो ध्यान रहे बच्चों, प्रमुख रूप में उपसर्ग में दो विचारों पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है। पहला विचार यह बनता है कि हर शब्दांश उपसर्ग नहीं होते। दूसरा विचार यह है कि स्वतंत्र रूप से इनका कोई विशेष महत्व नहीं होता। तो ये बात पर ध्यान रखना जरूरी है। हिंदी भाषा में तीन प्रकार के उपसर्ग मिलते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी उपसर्ग और उर्दू उपसर्ग। तीन प्रकार के उपसर्ग मिलते हैं, उनमें से पहला है संस्कृत के उपसर्ग। दूसरा हिंदी उपसर्ग। तीसरा जो है उर्दू उपसर्ग। तो इस तरह तीन प्रकार के उपसर्ग हम लोग देख सकते हैं। तो बच्चों पहले हम लोग देखेंगे तो संस्कृत के उपसर्ग में 19 मिलते हैं और हिंदी उपसर्ग में 10 मिलते हैं और उर्दू उपसर्ग में 12 उपसर्ग मिलते हैं। तो 12 उपसर्गों को उदाहरण सहित हम लोग देखेंगे। तो पहला देखेंगे बच्चों उपसर्ग में पहला है अ। उपसर्ग का अर्थ होता है नई, अभाव, हीन। जैसे कि ह उपसर्ग जुड़कर यानी शब्द के पूर्व में ह उपसर्ग जुड़ा हुआ है, कंड शब्द का विशेष अर्थ यहाँ मिलता है। कंड माने विच्छेदन न करने वाला, हकंड माने विच्छेद न करने वाला, तो विच्छेद नहीं हो सकता। कंड का अर्थ है विच्छेद, हकंड का अर्थ है विच्छेद नहीं हो सकता। अनाथ, नाथ माने रिश्ता, अनाथ माने किसी का भी न रिश्ता रहने वाला, तो अनाथ बन जाता है। तो अधर्म
धर्म के साथ अधर्म। तो धर्म शब्द है, ह उपसर्ग है, तो आ जुड़े के बाद अधर्म बना है, हर्त होता है धर्म रहित अधर्म। अदृश्य, अदृश्य दृश्य माने जो गोचर होता है वो दृश्य है, अदृश्य माने अगोचर, अचल। तो अचल माने स्थिरता को प्रतिपादित कर रहा है, चल माने निरंतर चलने वाला, अचल माने स्थिर रहने वाला। तो अलौकिक, तो अ उपसर्ग से जुड़ित अकंड, अनाथ, अधर्म, अदृश्य, अचल, अलौकिक। आगे देखेंगे हन प्रत्यय, आगे देखेंगे अन उपसर्ग। हन उपसर्ग का अर्थ है नई, अभाव। तो हन का, हन से बने उपसर्ग शब्द है अनाचार, हन प्लस आचार अनाचार। अनपढ़, अन प्लस पढ़। अनादि, जिसका आदि ना हो अनादि। अनमोल, जिसका मोल ही नहीं कर सकते हो वो अनमोल हो जाता है। अनेक, तो एक से अधिक अनेक। तो इस तरह अर्थ में अनाचार, अनपढ़, अनादि, अनमोल, तो अनमोल मिलते हैं। आदि, आदि उपसर्ग से आधारित, इसका अर्थ होता है ऊपर, समीप, बड़ा। तो आदि उपसर्ग से अधिकार बनता है, आदि उपसर्ग से अधिपति बनता है, आदि उपसर्ग से अधिनायक शब्द मिलते हैं। तो हदि का अर्थ होता है ऊपर, समीप, बड़ा, तो उससे बने शब्द है अधिकार, अधिपति, अधिनायक। आगे देखेंगे हनु, हनु उपसर्ग से जुड़े शब्द है, अनु का अर्थ होते हैं पीछे, समान। तो हनि से बना, अनु से बने शब्द है अनुकरण, अनुवाद, अनुकंप, अनुराग। तो इस तरह हनु उपसर्ग से अनुकरण, अनुवाद, अनुकंप, अनुराग मिलते हैं। आगे देखेंगे अभी, तो अभी उपसर्ग का अर्थ होता है तरफ, सामने, समीप के अर्थ में दिए जाते हैं। तो अभी उपसर्ग से अभियोग, अभिनेता, अभिमान, अभिनव। तो अभी उपसर्ग से अभियोग, अभिनेता, अभिमान, अभिनव शब्द मिलते हैं। आगे देखेंगे हप, हप, हप का अप उपसर्ग का अर्थ है बुरा, हीन, अभाव। अप उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा, ही, अभाव। तो हप का, हप से बने, अप उपसर्ग से बने शब्द को देखेंगे तो अपव्यय, अपव्यय, हप कीर्ति,
अपकीर्ति, अपमान, अपयश, अपवाद आगे देखेंगे तो आ उपसर्ग से तक पूर्ण, ह उपसर्ग का अर्थ है तक पूर्ण, तो आ उपसर्ग से बने देखेंगे तो आगमन, आगमन, आमरण, आजीवन, आकृति, तो आ उपसर्ग से आगमन, आमरण, आजीवन, आकृति शब्द मिलते हैं। आगे देखेंगे उप, उप उपसर्ग का अर्थ होता है समीप, छोटा, गौण, तो उप से बने उपसर्ग शब्द है उपसंहार, उपनिवेश, उपसर्ग, उपकरण, उपचार आदि शब्द मिलते हैं। तो उप उपसर्ग, उपसर्ग का अर्थ है समीप, छोटा, गौण, तो उससे आधारित उपसर्ग शब्द को देखेंगे तो उपसंहार, उपनिवेश, उपसर्ग, उपकरण, उपचार शब्द मिलते हैं। आगे देखेंगे तो उत, उत उपसर्ग का अर्थ होता है ऊंचा और श्रेष्ठ, ऊंचा श्रेष्ठ अर्थ दिए जाते हैं। तो उत उपसर्ग से जुड़े शब्द को देखेंगे तो उत्कर्ष, उत्तान, उत्पत्ति, उत्तम। उत उपसर्ग से जुड़े शब्द हैं उत्कर्ष, उत्कर्ष, उत्थान, उत्पत्ति, उत्तम। आगे देखेंगे कु, बुरा, उपसर्ग का अर्थ है बुरा और हीन अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, तो इससे बने उपसर्ग को देखेंगे तो कुपुत्र, कुपुत्र, कुरूप, कुकर्म, कुचाल शब्द मिलते हैं। कु उपसर्ग से आधारित शब्द है कुपुत्र, कुरूप, कुकर्म, कुचाल। आगे देखेंगे दुर, दुर उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा और कठिन, दुर उपसर्ग बुरा और कठिन अर्थ में, बुरा और कठिन अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो दुर उपसर्ग से जुड़े आधारित शब्द है देखेंगे तो दुराचार, दुर्गति, दुर्गुण, दुर्बल, दुर्जन आदि मिलते हैं। तो आगे नी उपसर्ग, नी उपसर्ग का अर्थ होता है निषेध, भीतर, अभाव, तो नी उपसर्ग निषेध, भीतर, अभाव अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। नी से आधारित उपसर्ग को देखेंगे तो निवास, नियुक्त, निधान, निधान, निवारण,
तो नी उपसर्ग का अर्थ होता है निषेध, भीतर, हभाव में प्रयुक्त होते हैं। नी से बने उपसर्ग है निवास, नियोग, निधान, निवारण। आगे देखेंगे तो निर, निर उपसर्ग का अर्थ होता है निषेध, रहित, बाहर। निषेध, रहित, बाहर। तो निर उपसर्ग का अर्थ निषेध, रहित, बाहर में प्रयुक्त होते हैं। निर उपसर्ग से जुड़े शब्द हैं निर्भय, निर्दोष, निर्दोष, निर्जीव। तो निर उपसर्ग का अर्थ है निषेध, रहित, बाहर। तो निर उपसर्ग से जुड़े शब्द हैं निर्भय, निर्दोष, निर्जीव। परा उपसर्ग का अर्थ होता है सीमा से अधिक, सीमा से अधिक, सीमा से अधिक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो परा उपसर्ग से आधारित शब्द है पराक्रम, पराक्रम, पराजय, पराजय, पराधीन, परामर्श। तो परा उपसर्ग का अर्थ है सीमा से हदे। तो परा उपसर्ग से बने शब्द है पराक्रम, पराजय, पराधीन, परामर्श। आगे देखेंगे परी, परे उपसर्ग का अर्थ होता है आसपास, चारों ओर, चारों ओर। तो परे उपसर्ग से बने, उपसर्ग से बने शब्दों को देखेंगे तो परिकल्पना, परिवेश, परिक्रमा, परिणाम। तो परि उपसर्ग का अर्थ होता है आसपास, चारों ओर, परिकल्पना, परिवेश, परिक्रमा, परिणाम। तो आगे देखेंगे प्र, प्र उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक, आगे, ऊपर, अधिक, आगे, ऊपर। तो प्र से बने उपसर्ग शब्द है, प्र से बने उपसर्ग शब्द है प्रगति, प्रक्रिया, प्रयत्न, प्रबल, प्रयोग। तो प्र उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक, आगे, ऊपर। तो प्र उपसर्ग से बने शब्द है प्रगति, प्रक्रिया, प्रयत्न, प्रबल, प्रयोग। आगे देखेंगे प्रति, प्रति उपसर्ग का अर्थ होता है होर, विरुद्ध, सामने, प्रत्येक। तो प्रति उपसर्ग से बने शब्द होते हैं प्रतिकूल, प्रतिकूल, प्रतिहिंसा, प्रतिहिंसा, प्रतिदिन, प्रतीक्षण, प्रतिध्वनि। तो प्रति उपसर्ग का अर्थ होता है होर, विरुद्ध, सामने, प्रत्येक। उससे बने उपसर्ग शब्द होते हैं प्रतिकूल,
प्रतिहिंसा प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिध्वनि आगे देखेंगे वि वि उपसर्ग का अर्थ होता है विशेष विशेष उल्टा तो वि उपसर्ग से बने शब्दों को देखेंगे तो वियोग विभाग विज्ञान विक्रय विक्रय विनम्र आगे देखेंगे सम सम उपसर्ग सम उपसर्ग का अर्थ होता है संयोग अच्छा पूर्णता के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं सम से बने उपसर्ग शब्दों को देखेंगे तो सम्मान सम्मान सम्मुख सम्मेलन तो सम उपसर्ग का अर्थ होता है संयोग अच्छा पूर्णता उससे बने आधारित उपसर्ग शब्द है सम्मान सम्मुख सम्मेलन आगे देखेंगे सो सो उपर सो उपसर्ग से बने शब्द का अर्थ होता है अच्छा अधिक सहज तो सु उपसर्ग से बने शब्दों को देखेंगे तो सुपुत्र सुकर्म सुज्ञान सुशिक्षित आदि मिलते हैं तो सु उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा अधिक सहज सु से बने उपसर्ग शब्दों को देखेंगे तो सुपुत्र सुकर्म सुज्ञान सुशिक्षित तो आगे बढ़ेंगे बच्चों संस्कृत के बने उपसर्गों में अंतिम जो है स्वा स्व उपसर्ग स्व उपसर्ग का अर्थ है अपना अपना अर्थ में प्रयुक्त होते हैं तो स्व उपसर्ग से बने शब्दों को देखेंगे तो स्वराज्य स्वतंत्र स्व स्वभाव आदि शब्द मिलते हैं स्व से बने स्व उपसर्ग का अर्थ होता है अपना स्व से बने आधारित उपसर्ग शब्द होते हैं स्वराज्य स्वतंत्र स्वभाव आगे देखेंगे बच्चों हिंदी भाषा से बने उपसर्गों में देखेंगे तो पहला है हद हद उपसर्ग हद उपसर्ग का अर्थ होता है आधा आधा तो आधा उपसर्ग से बने उपसर्ग शब्द होते हैं हज्जला हज्जला हदमरा हदमरा हदपका हदपका अदकिला हद किला तो अद उपसर्ग का अर्थ होता है आधा आधा अर्थ में प्रयुक्त होता है हद उपसर्ग से बने उपसर्ग शब्द है हद जला हद मरा हद पका हद किला आगे देखेंगे वो उपसर्ग से वो उपसर्ग का अर्थ होता है अभाव रहित अभाव रहित में प्रयुक्त होते हैं उरुण वुरुण उजड़ा उजड़ा उनिंदा
वो उपसर्ग से बने शब्द होते हैं अभाव रहित, तो उससे बने शब्द होते हैं उरुण उजड़ा उनिंदा। आगे देखेंगे ओ बुरा, तो उससे कु उपद कु उपसर्ग से बने शब्दों को देखेंगे तो कुपात्र कुकर्म कु अवसर कु उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा, उससे बने उपसर्ग शब्द है कुपात्र कुकर्म कु अवसर। तो आगे देखेंगे तो दु दु उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा हीन, तो कु सॉरी दु उपसर्ग से बने शब्दों को देखेंगे तो दुबला दुकाल दुसाध्य दुर्जन। दो उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा और हीना में हीन में प्रयुक्त होते हैं, उससे बने उपसर्ग शब्दों को देखेंगे तो दुबला दुखाल दुसाध्य दुर्जन है। तो आगे देखेंगे तो बिन बिन निषेध के बिना अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, निषेध के बिना अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, तो बिन उपसर्ग से बने शब्दों को देखेंगे तो बिन देखा बिन जाना बिन जाना बिन सोचा बिन भोया बिन भोया बिन भोया बिन काया। तो बिन उपसर्ग का अर्थ होता है निषेध के बिना अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, बिन उपसर्ग से बने शब्दों को देखेंगे तो बिन देखा बिन छाना बिन बोया बिन खाया शब्दों में प्रयुक्त होते हैं, बिन खाया शब्द मिलते हैं। बर बर उपसर्ग का अर्थ होता है पूरा ठीक, पूरा और ठीक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, भर उपसर्ग से बने शब्दों को देखेंगे तो भरपेट भरपूर। आगे देखेंगे स स उपसर्ग है अर्थ है अच्छा उत्तम, स उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा उत्तम, स उपसर्ग से बने शब्दों को देखेंगे तो सपूत सफल सरल सजग सु उपसर्ग से बने शब्दों को देखेंगे तो सु का अर्थ होता है अच्छा और उत्तम, तो सु से बने उपसर्ग शब्दों को देखेंगे तो सुगम सुकन्या सुफल। तो सु उपसर्ग का अर्थ होता है अच्छा और उत्तम, सु उपसर्ग से बने शब्दों को देखेंगे तो सुगम सुखन्य सुफल मिलते हैं। आगे उर्दू के उपसर्ग मिलते हैं तो उर्दू भाषा के उपसर्गों में देखेंगे तो पहला उपसर्ग है कम, तो इसका अर्थ होता है थोड़ा, तो कम
उपसर्ग से बने शब्दों को देखेंगे तो कमसिन कमजोर, खम्बक्त कम उम्र। तो कम शब्द का अर्थ होता है थोड़ा, कमसिन कमजोर, खम्बक्त कम उम्र। आगे देखेंगे तो न, न उपसर्ग का अर्थ है नई और अभाव, नहीं और अभाव का अर्थ है। न उपसर्ग से बने शब्दों को देखेंगे तो नापसंद, नासमझ, नालायक, नामुमकिन। आगे देखेंगे तो भद, बद उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा, बद उपसर्ग का अर्थ बुरा अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। बद उपसर्ग से बने शब्दों को देखेंगे तो बदकिस्मत, बदकिस्मत, बदतमीज, बदनाम, बदसूरत। तो बद उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा, बद उपसर्ग से बने शब्दों को देखेंगे तो बदकिस्मत, बदतमीज, बदनाम, बदसूरत शब्द मिलते हैं। आगे देखेंगे कुश, कुश उपसर्ग, कुश उपसर्ग है तो अर्थ है प्रसन्न। तो कुश उपसर्ग से बने शब्दों को देखेंगे तो कुश, कुश किस्मत, कुश किस्मत, खुशहाल, खुशहाल, खुशखबरी, खुश नसीब। कुश शब्द का अर्थ है प्रसन्न, कुश उपसर्ग से बने शब्दों को देखेंगे तो खुश किस्मत, खुशहाल, खुशखबरी, खुश नसीब मिलते हैं। आगे देखेंगे बे, बे उपसर्ग का अर्थ होता है बिना, बे उपसर्ग से बने शब्दों को देखेंगे तो बेकसूर, बेहिनाम, बेहिमान, बेइज्जत, बेचारा। आगे देखेंगे ल, ल उपसर्ग का अर्थ होता है बिना, ल उपसर्ग का अर्थ होता है बिना। तो ल उपसर्ग से बने शब्दों को देखेंगे तो लापरवाह, लापरवाह, ल इलाज, ल इलाज, ला वारिस, ला वारिस, ला जवाब, लाचार। तो ल उपसर्ग का अर्थ होता है बिना, उससे बने उपसर्ग शब्द होते हैं लापरवाह, ला इलाज, ला वारिस, लाजवाब, लाचार। हर, हर उपसर्ग का अर्थ होता है प्रत्येक, प्रत्येक। तो इसमें हर शब्द का अर्थ होता है प्रत्येक, हर शब्द से बने उपसर्ग शब्दों को देखेंगे तो हर रोज, हर रोज, हर पल, हर साल, हर दिन। हर
उपसर्ग का अर्थ होता है प्रत्येक, उससे बने उपसर्ग शब्दों को देखेंगे तो हर रोज, हर फल, हर साल, हर दिन। आगे देखेंगे हम, हम का अर्थ होता है समान, तो इससे बने उपसर्ग देखेंगे तो हम शकल, हम शकल, हम दर्द, हम दर्द, हम राह, हम राज, हम सफर, हम दर्दी, हम दर्दी। तो हम उपसर्ग का अर्थ होता है समान, उससे बने उपसर्ग शब्दों को देखेंगे तो हम शकल, हम दर्द, हम राह, हम राज, हम सफर, हम दर्दी। पूछो आज के अध्ययन के संदर्भ में उपसर्ग की परिभाषा और उपसर्ग के प्रकारों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, तो बच्चों एक बार मैं दोहराती हूँ। उपसर्ग की परिभाषा के अंतर्गत देखेंगे तो वे शब्दांश है जो किसी शब्द से पूर्व जुड़कर विशेष अर्थ में बदलते हैं। तो उपसर्ग वे शब्दांश है जो किसी शब्द से पूर्व जुड़कर विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं तो उसे उपसर्ग कहा जाते हैं। तो उपसर्ग में ध्यान देने की दो बातें हैं, उनमें से पहला है उपसर्ग बिना शब्द प्रयोग नहीं होता, और वो बिना शब्द उसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, ये ध्यान देने की बात है। तो और दूसरी बात, हर शब्दांश उपसर्ग नहीं होते। दो बातें हमें याद रखना चाहिए, उपसर्ग बिना शब्द स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, दूसरा हर शब्दांश उपसर्ग नहीं होता। ये दो बातें आपको ध्यान रखना होगा। तो बच्चों परीक्षा की दृष्टि से अभ्यास पुस्तिका में आधारित उपसर्गों को अगले अध्ययन में हम लोग अभ्यास करेंगे। तब तक बच्चों स्वस्थ रहो, खुशी से रहो। धन्यवाद।